औलाद की पांच किस्में हैं। यहां बैठे बैठे तय कर लीजिएगा कि मैं इस वक्त किस किस्म से हूं। पहली किस्म, वालिदैन जो कहते हैं वो करते नहीं, ये नाफरमान औलाद है। नाफरमानी की सजा क्या है? सिर्फ तीन सजाएं याद रखिएगा। पहली सजा, पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहें, ना उनके फराइज कबूल ना नवाफिल कबूल। दूसरी सजा, अल्लाह की नजर रहमत से महरूम, अल्लाह उनको पाक भी नहीं करेगा। तीसरी सजा, सलासतुन कद हर्रम अल्लाहु अलैहिमुल जन्नत, तीन ऐसे बदबख्त हैं जिन पे जन्नत हराम है अगर तौबा नहीं करते। वलआक, उनमें एक नाफरमान बेटा है। औलाद की दूसरी किस्म, बात मानते तो हैं जैसे वालिदैन कहते हैं, लेकिन दिल की खुशी से नहीं। मजबूरी क्या है? मार पड़ेगी, घर से ना निकाल दें। फहाउलाई ला युजरून, ये काम करें भी तो अजर नहीं मिलेगा। इफ्शा अलैहिम, डर है कि अजर से महरूम है। औलाद की तीसरी किस्म, काम तो करते हैं साथ दुख भी देते हैं। बात मानी और साथ एहसान जतलाया, तकलीफ दी, क्या कहा? मैंने आपकी वो बात नहीं मानी थी, मैंने आपका ये काम नहीं किया था, उस वक्त भी मैं आपके ये खर्च नहीं किया था। फहाउलाइयुज़रून, ये लोग काम करने के बावजूद नेकी नहीं गुना लेते। औलाद की चौथी किस्म, जो वालिदैन कहते हैं वो करते तो हैं, दिल की खुशी से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अल्लाह ने अपने वालिदैन का एक हक तो पूरा करवाने की तौफीक दे दी। ये हैं जिनको अल्लाह ताला अजर और सवाब से नवाजेगा। पांचवी औलाद, अल्लज़ीन यफ़अलून मा युरीदुहुल वालिदैन, वालिदैन कहते नहीं, वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं नेकी की, बुलंदी की, रिफ़त की, कहने से पहले जो औलाद उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे, यही औलाद अल्लाह की हाँ सबसे बुलंद मुकाम हासिल करने वाली है। सोचिए, इन पांच औलादों में से हम किस औलाद में से हैं, हर शख्स पहचान सकता है।